शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, ये देखिए प्रोडक्ट बताना है इसका, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, गुणा, प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो यहाँ 25 का आप सीधे टेबल पर दीजिए, 25 छक्का 150 होगा 0, कैरी हुआ 15, ऐसे 25 पंजे 125 प्लस 15 140 का फिर से 0, कैरी हुआ कितना 14, और ऐसे ही 25 57 214 189, ठीक है। और एक 0 यहाँ पहले था 25 के साथ, तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब देखिए कितने पोजीशन के बाद पॉइंट लगेगा, 6 पोजीशन के बाद, तो यहाँ पे 0189 0.01890 ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, तो सिंपल सा आप नीचे के चाहें तो इसको प्लस कर लें, यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका वो 500.88। देन अब एक अच्छा सवाल और आया है दिस, तो आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका 3 + √3, तो इसको आप क्या लिखें, √3 + 3 अगर लिख लें, तो उसके बाद देखिए फिर से लिखा हुआ है क्या, ये तो 1 के नीचे लिखा हुआ ही है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 1/√3 लिखा हुआ है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, √3 - 3, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म हो गई, a + b ये हो गया, तो a - b ये हो गया। इससे आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, और सबसे पहले क्या लिखा था 3, तो इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इधर से, इधर से आएगा √3, और यहाँ से एक ब्रैकेट में √3 + 3, और दूसरे ब्रैकेट में √3 - 3, ठीक है। ये आ गया एलसीएम, आप इसको आगे बढ़ाएंगे आप, और अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, डेफिनेटली हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो इस तरह के सवालों को, जितने भी लंबे छोटे सवाल होंगे उनको एक साथ करके आपको वीडियो बना के दे देंगे। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर सवाल, इसमें भी हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आपको बता देंगे ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स के आपको लिंक्स मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ और लिंक्स मिलेंगे जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के, इंक्लूडिंग PCS IAS वगैरह, ये सब वो या तो फ्री में अवेलेबल होंगे या बहुत कम रेट पर आपको अवेलेबल होंगे, कुछ तो डेफिनेटली उनमें से फ्री होंगे, बट कुछ पे बहुत नॉमिनल सा रेट लगेगा, आपको बहुत नॉमिनल सा दाम देना होगा, ठीक है। इसके अलावा तमाम तरह की ट्रिक्स, जैसे GS की ट्रिक्स हैं, जैसे आपका रीजनिंग की ट्रिक्स हैं, जो हमने भी बनाई हैं, कुछ और हमारे साथियों ने बनाई हैं, वो इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। रीजनिंग की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, जिनमें से एक ट्रिक का छोटा सा नमूना आपको अभी दिखा देते हैं, और आगे भी बहुत सारे नमूने इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये है 250047, इसका क्या मांगा है इसने, क्यूब रूट, इस पर हम ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये नंबर यहाँ लिख लिया 0047, ओके। अब क्या करना है, हमने यहाँ से एक ग्रुप बनाया, पहले 3 नंबर लेंगे पहले ग्रुप में, बाकी जितने भी 2, 3, 4, 6 नंबर बचेंगे वो दूसरे ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस है 7 का मतलब क्या हुआ कि इसके क्यूब रूट जब निकालेंगे मतलब घनमोल, तो उसमें हमें 3 मिलना चाहिए, तो हम 3 लिख देते हैं। तो यूनिट प्लेस पर हमें मिल चुका है नंबर, लेकिन अभी हमें दहाई के स्थान पे जो टेंथ प्लेस है उस पर क्या आएगा ये तय करना है, तो हम चलते हैं दूसरे ग्रुप में। ये रहा हमारा दूसरा ग्रुप, अब ये 250 मिला हमें यहाँ पे, 250 किस किस क्यूब से बड़ा है, तो ये बड़ा है 216 से, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, ठीक है। इसका मतलब इसका क्यूब रूट जो है वो हम 6 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, ये दहाई का अंक हो गया। 63 हमारा यहाँ से क्यूब रूट मिल चुका है। अब 63 के आगे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज का भी ट्रिक आप हमारे लिंक में जाकर सीख सकते हो, ठीक है। 56 का हो जाएगा 3136, ठीक है। अब इन सबको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 3199, और जब 7 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या बच जाएगा, 74 ज़ा, देन बचा कितना, 3975 ज़ा, देन 4977 ज़ा, 457 हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, 457 ऑप्शन 2 में दिया, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या, 65 कहता है कि एक बैट्समैन ने 19वीं इनिंग में 98 रन बनाए और उसका जो एवरेज था वो अब 4 बढ़ गया है। तो सपोज हमने मान लिया कि पहले उसका एवरेज किया था, आप नोट करते रहना, हम बोलेंगे ज़्यादा नोट लिखेंगे कम, ताकि हमें स्पेस भी मिले और हम फास्ट भी रहें थोड़ा सा। तो एक्स था पहले एवरेज, अब कितना हो गया, अब नया एवरेज जो हो गया वो एक्स प्लस 4 हो गया। तो नए एवरेज के हिसाब से क्या है, कैसे निकालेंगे हम नया एवरेज, एक्स प्लस 4 हम कर देंगे, ये औसत दिया है, और औसत के लिए हमें चाहिए होती हैं सारी इनिंग के टोटल रन। पहले कितने बनाए थे, सपोज उसने वाई रन बनाए थे इससे पहले, अब 98 रन उसने 19वीं इनिंग में भी बना दिए, तो वाई प्लस 98 हो गया, और नीचे 19 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक लोचा और है, अभी लोचा ये है कि एक्स जो उसका पुराना एवरेज था वो हम कैसे निकालते, तो वो हम निकालते वाई अपॉन 18 से,
यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू 18x, ठीक है। अब ये वाई इज इक्वल टू 18x जो है, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख देंगे हम वाई के पास ले जा करके, ठीक है। और अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22। आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत तो कमेंट कर देना। तो इसका मतलब क्या है, 19वीं इनिंग के बाद क्या उसका एवरेज होगा, पहला एवरेज तो 18वीं इनिंग तक का था उसका 22 आ चुका है, और इसके बाद वो चार और बढ़ा, तो इसका मतलब नया एवरेज जो होगा वो होगा 26। 26, चलिए टिक कर देते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4/5 ऑफ सर्टेन नंबर इज 64, हाफ ऑफ द नंबर इज़, किसी नंबर का 4/5, वो जो नंबर क्या है एक्स है, उसका हमने क्या किया 4/5, और वो है कितना 64 के बराबर बैठ गया है, 4/5 उसका 64 के बराबर, 4 से काटा 16 × 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 16 × 5 = 80, 80। अब x2 चाहिए हमें, x/2, तो इसको भी आधा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 40। कौन से ऑप्शन में मिलता है हमें ये आंसर, दूसरे में। चलिए फटाफट चलते हैं आगे अगले सवाल पे। 67 कहता है पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4, जब नंबर को चार से सॉरी नंबर में से चार माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू 21 टाइम्स, तो ये बराबर हो जाता है 21 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, उस नंबर का रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए चार घटा रहा है तो चार के आसपास तो पाँच आ रहा है, तो पाँच को ही छोड़ देते हैं, हम सात नंबर से चेक करते हैं, सपोज ये थोड़ी देर के लिए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन से ही ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। इसने कहा चार जब घट जाती है तो 7 - 4 मतलब 3 बच जाता है इस केस में, तो इक्वल हो जाता है किसके, इस नंबर के रेसिप्रोकल के, मतलब रेसिप्रोकल तो हो गया इसका, ये रेसिप्रोकल के 21 टाइम के, चलो 7 से फिर काट देते हैं 21 को, तो आ गया 3, तो राइट हैंड साइड पे भी 3, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बगैर कॉपी बगैर पेन के भी ये सवाल हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक, हम आपको मैथमेटिक्स में इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे कि आपका भी कोई सवाल शायद ही छोड़ गए। नेक्स्ट सवाल देखें, 68 नंबर कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, देयर एवरेज इज दिस, लार्जेस्ट नंबर इज, 4, 5 और 6 का उनके बीच में अनुपात है, तो हम मान सकते हैं कि पहला नंबर हो जाएगा 4x, अगर तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5x, तो तीसरा कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें और इन्हें 3 से हम डिवाइड कर दें तो हमारा औसत कितना आ रहा है, औसत कह रहा है ये 25 हो जाएगा हमारा, तो हमने 25 लिख दिया, ठीक है। अब इन सबको जो हमने ऐड किया था कितने एक्स हो गए, 4, 5, 9, 6, 15x, तो हम कह सकते हैं 15x/3 इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू 25 × 75/15 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 5। अब एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू वापस ले आकर यहाँ रखने की आप कोशिश करो, तो 5 × 20 हो गया पहला नंबर, क्या हुआ 20 हो गया पहला नंबर, 5 × 5 = 25 हो गया दूसरा नंबर, और 5 × 6 = 30 हो गया तीसरा नंबर। कौन सा नंबर हमसे इसने पूछा है, 25, 20 या 30, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी वो है हमारे पास 30, लगा देते हैं ऑप्शन थर्ड सही है। 69 पे चलिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 68, 3 नंबर है उनका सम जो है 68 है, इस बार 68 दे दिया, सम दे दिया, पहले एवरेज दिया था, ये द रेशियो बिटवीन दैम इज दिस एंड दिस, पहले दो के बीच में रेशियो ये है, दूसरे दो के बीच में रेशियो ये है, सपोज हमने मान लिया, आप लिख लेना, हमने लिख रहे हैं, ठीक है, कि ए और बी था पहले दो नंबर के बीच का रेशियो, और बी और सी था दूसरे और तीसरे नंबर के बीच का रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, पहले ए बी और सी निकालना है, फिर हम ये तय कर सकते हैं कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। चलिए तो इसको निकाल लेते हैं, तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज टू बी, उसके नीचे लिखेंगे बी इज टू सी, एक लाइन खींच देंगे, और ए इज टू बी क्या दिया था इसने हमें, 2 और 3 दिया था, तो 2 और 3 हमने यहाँ लिख लिया, ऐसे बी और सी क्या दिया था, बी और सी दिया था इसने 5 और 3, तो इसके नीचे जैसे हम लिखेंगे 5 और 3, एक और लाइन खींचेंगे ऐसे, अब देखिए यहाँ गैप है और यहाँ भी गैप है, इस गैप को हम फिल करेंगे इसके नियरेस्ट नंबर से, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 5, इस लाइन में दूसरा नंबर क्या है 5 है, और इस लाइन में दूसरा नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे। अब 2 × 5 = 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे हम, उसके बाद दूसरा रेशियो आएगा 3 × 5 = 15, तो 15 हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद तीसरा क्या आएगा 3 × 3 = 9, तो हम 9 यहाँ लिख देंगे, तो 10, 15 और 9 का नया रेशियो हमें मिल चुका है। ये रेशियो किस किसके बीच होगा, ए बी सी और ए बी और सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में नया रेशियो मिला है, वो हमें मिला है 10, 15 और 9 का, क्लियर है। अब इनके साथ एक्स लगा दें, अगर पहला नंबर 10x है तो बाकी सबको आप कटा हुआ समझ लो, पहला नंबर है 10x, तो दूसरा नंबर कितना हो गया 15x, और तीसरा नंबर हमारा 9x, क्लियर, 10, 15 और 9, ये 3 नए नंबर हमें मिल चुके हैं। इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन तीनों का एडिशन कितना है,
68, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 10, 15, 25 और 9, 34x हमें ये मिल चुका है, तो हम आगे लिखेंगे 34x इज इक्वल टू 68, एक्स इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 10x जो था उसका उसकी पोजीशन क्या थी, 10x का मतलब था 20, 15x का मतलब क्या था 30, और जो 9x था उसकी वैल्यू कितनी थी 18। तो ये तीन नए नंबर हमें मिल चुके हैं। दूसरी संख्या कौन सी है इनमें, दूसरी संख्या है 15x, 15x का मतलब 30 उसकी वैल्यू थी, तो 30 हमारा ऑप्शन नंबर वन में है, 69 का ऑप्शन नंबर वन सही हो गया। 70 देखिए, 70 बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एज बेस्ड सवाल है, कोई सुनील है और यहाँ पे एक और बंदा उसका कोई दोस्त दोस्त जो भी है, सुनील और ये स्नेहल, सुशील सॉरी सुशील और स्नेहल, सुशील जो है वो 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5/3 था, 6 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 5/3 था, सपोज पहला वाला ऑप्शन सही, इसे भी ऑप्शन से ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था, 6 साल पहले 3 गुना उम्र से बड़ा था, 6 साल पहले, तो अगर उसकी उम्र 12 साल है स्नेहल की, तो सुशील की कितनी रही होगी, 3 गुना रही होगी, 6 साल पूर्व सुशील सुनील से उम्र में 3 गुना बड़ा था, तो अभी अगर 12 साल उसकी उम्र है, सॉरी अभी की उम्र जो है 12 साल है, तो 6 साल पहले उम्र कितनी थी, 6 साल थी, और इसका 3 गुना था सुशील, तो 18 साल का रहा होगा सुशील, ठीक है। वर्तमान में क्या पोजीशन है, स्नेहल की तो 12 है, तो सुशील की कितनी रही होगी, इसमें भी 6 ऐड कर दो, 24 हो गई होगी सुशील की, ठीक है। अब अगर ये 6 साल बाद की बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन 6 साल बाद के लिए दी है, 6 साल बाद प्लस 6 लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 24 का, तो ये आज है 24 6 30 का हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 12 का है, तो 12 6 18 का हो जाएगा, तो क्या 5/3 है इसका, ये 30 का 5/3 हम करके देखते हैं, 18 आएगा क्या, 30 का 5/3, 3 से काटा 10, सॉरी 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 एक सेकंड, कोई गड़बड़ है क्या, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि 18 का 5/3 30 है क्या, देखिए काट के देखिए, तो ये आ जाएगा 6 6 5 30, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, फिर से एज बेस्ड ये सवाल है, और यहाँ पे एक आदमी है उसका बच्चा है, मैन एम से लिख दिया, सन को हमने एस से लिख दिया, अभी उनका रेशियो क्या है, 4 और 1 का रेशियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 4x पिता की उम्र है तो एक्स है इसकी, अब उन दोनों का जो गुणनफल है वो 196 है, तो इन दोनों गुणा अगर हम कर दें क्या मिलेगा हमें, 4x², और इसने कितना दिया है इसकी वैल्यू 196, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7, ठीक है, यानी कि बेटा अगर 7 साल का है तो बाप कितना है 28 ईयर्स का है, सॉरी 28, तो पूछा कि हमसे 5 वर्ष बाद उनकी उम्र में क्या अनुपात होगा, तो जो बाप 28 साल का आज है वो 33 साल का हो चुका होगा, और बेटा जो 7 साल का है वो 12 साल का हो चुका होगा, नया रेशियो क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 3 3 और 11, या पिता 11 तो बेटा 3, 11 3 का रेशियो होना चाहिए इनके बीच, देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, सॉरी 11 4 का, ठीक है, वो 3 से काटेंगे 4 आएगा, 12 को काटेंगे। तो नेक्स्ट सवाल 72 बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसे भी आप देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है ये, देखिए 3 की पावर x दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने 3 बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 3 की पावर x - 1 लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं, आगे क्या दिया, फिर से 3 की पावर x - 1, ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम क्या, 3 की पावर x - 1, इसे एक्स मानो, ठीक है, x - 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 - 1 यानी कि 2, यहाँ से मिला हमें 2, और ये तो हमारा चल ही रहा था 3 की पावर x - 1, जैसे तो मोटे साफ कर लिखते हैं 2 × 3 की पावर x - 1 इज इक्वल टू, आगे क्या दिया था हमें 18, अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि x - 1 यानी कि पावर इज इक्वल टू पावर, ये हमें नई चीज़ मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, इसने हमसे पूछा क्या है x की पावर x, तो x की पावर x का मतलब हुआ 3 की पावर 3, ये क्या हुआ इसका मान 27, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, यहाँ पर देखिए हमें दिया है x इज इक्वल टू y की पावर a, क्लियर, अगर हम यहाँ लॉग ले लें तो हमें यहाँ मिल जाएगा log x इज इक्वल टू log y की पावर a, ऐसे कह सकते हैं a log y
यहाँ से हमें एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ऐसे हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे सी की वैल्यू निकालेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे ए इंटू बी इंटू सी और हमें मिलेगा 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी कुछ इसी ढंग का है, ये भी पावर एंड इंडिसेस से है। तो 2 की पावर एक्स दिया है हमें, सबसे पहले 2 की पावर एक्स इंटू 8 की पावर 1 बटे 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बटे 5। तो 8 की पावर 1 बटे 5 को 2 की पावर में बदल लेते हैं, तो ये मिलेगा 2 की पावर एक्स, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3, और 3 के साथ साथ क्या दिया है, 2 की पावर 1 बटा 5 भी दिया था, इसे ऊपर लिख लिया हमने, आगे भी 2 की पावर 1 बटा 5 दिया हुआ है। फाइनली हमें 2 की पावर एक्स यहाँ से मिला, और यहाँ से क्या मिला हमें, 2 की पावर 3 बटे 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बटे 5। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर कितना, 3 प्लस 2 की पावर 3 बटे 5, सॉरी 2 की पावर एक्स प्लस 3 बटे 5 इज इक्वल टू ये, यानी कि पावर इज इक्वल टू पावर एक्स की पावर, सॉरी मैं लिख ही देता हूँ, एक्स प्लस 3 बटे 5 इज इक्वल टू 1 बटे 5, क्लियर। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से किया जाएगी माइनस का 2 बटे 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, आई गेस इट इज़ इन क्वेश्चन इन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर एन दी है, ये भी पावर एन इंडिसेस से सवाल आया हुआ है, इज इक्वल टू 64। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 की पावर एन, और यहाँ क्या मिलेगा, 64 इंटू 64 इजेंट, यहाँ से एन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और इधर से 2 की पावर 6, इसका मतलब 2 की पावर 12, इधर क्या है, 2 की पावर एन, तो एन इजिकल टू कितना, जब बेस समान होता है तो पावर इजिकल टू पावर, तो एन इजिकल टू 12, 12 हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, ये दिया है 4th में। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, 76 दिया है, 6 यहाँ पे है, 4 6 4 10 यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। वैसे ही हम क्या करने जा रहे हैं, ये और ये ऐड कर देंगे, क्या आएगा, ये ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पे ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 18। दूसरे वाले ट्राइंगल में यही करेंगे, तीसरे में भी हम यही करेंगे, तो 5 प्लस 6 11, ठीक है, उसके बाद ये प्लस ये इक्वल टू ये, बिल्कुल ठीक है। अब 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 15 मिले, 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 हमारे कहाँ दिया हुआ है, ये दिया 3rd में, तो आंसर 3rd है। अब देखिए 77 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे 1 था, इसका अगर हम क्यूब भी करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। एक के बाद इसने नंबर क्या लिया है, 3, 3 के बाद क्या लिया है, 5, 5 के बाद लिया है 7, ऐसे करके ये अल्टरनेट नंबर्स ले रहा है। 3 के बाद इसने 3 का भी क्यूब कर दिया, फिर 5 उठाया, तो 5 का भी क्यूब अगर हम कर दें, 125 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, यहाँ पे 7, उसके बाद 7 का भी क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, 3rd हो जाएगा, 125 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर दें, 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10, तो बीच में क्या आ रहा, वही नंबर आ रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद जो चारों तरफ नंबर्स दिए हैं। सेम पैटर्न सेकंड वाले में भी है, सेम पैटर्न थर्ड में अगर हम करेंगे, 9 + 10 = 16 + 4 = 20, तो आंसर क्या आएगा, 2, दूसरा आपका आंसर होगा। 79 देखिए, इसका कुछ आंसर आ रहा है क्या, EKRZ IS and this, ओके, ठीक है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये भी बस में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को आता है ये सवाल, फटाफट कमेंट करके प्लीज़ बता दें इसका आंसर क्या आएगा। आप देखते हैं 80 नंबर, यहाँ पे भी एक बेहतरीन शानदार ट्रिक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए क्या है वो ट्रिक, जब कभी हमें n इंटू n फॉर्म में कोई स्क्वायर मिलता है, बड़ा स्क्वायर जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर दिए हों n इंटू n फॉर्म में, मतलब इधर से इधर को जाएं तब भी इतने स्क्वायर हों, इधर से इधर को जाएं तब भी इतने स्क्वायर हों, यहाँ पे क्या पोजीशन है, 4 स्क्वायर इधर की तरफ हैं, तो 4 स्क्वायर नीचे की तरफ भी हैं, इसका मतलब ये n इंटू n टाइप का एक स्क्वायर का ग्रुप है। चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर डाल लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब देखिए पहला नंबर क्या है, 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 का करते हैं स्क्वायर, ऐसे दूसरा नंबर क्या है, 2 लिख लेते हैं, उसका भी करते हैं स्क्वायर, तीसरा नंबर क्या है, 3, इसको लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, लास्ट नंबर ये था, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा क्या, 30।
देखिए कहाँ पे दिया है, 30 ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और ये है 81 नंबर सवाल। ये भी बेहद आसान सा सवाल है बच्चों, और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऐसी आकृति बना दें तो यहाँ पे हम एक ही वो लगा देते हैं सर्किल टाइप का, और ये लगा दिया हमने, हो गई आकृति पूरी। अब देखिए इस तरह की आकृति कहाँ पे दी है, ये दी है ऑप्शन नंबर 4 में, तो डी हमारा यहाँ से सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर चौथा सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 82 भी अच्छा सवाल है। इनकी अल्फ़ाबेट्स में पोजीशन क्या होती है, ये होती है 14, कितनी 14, 14। और आर की कितनी होती है, आर की होती है 18। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हम लिखा 252। वैसे ही यहाँ पे दूसरी लाइन में भी करेंगे, तीसरी में भी करेंगे, चौथी में भी करेंगे, पाँचवीं में भी हमें यही करना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो जी के साथ जी की पोजिशन क्या होती है, एफ जी, ई होता है पाँचवा और जी होता है फिर सातवा। तो सात को आप किससे मल्टीप्लाई करो, सपोज यहाँ पे एक्स आना था, एक्स नहीं, एक्स नहीं लिखते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। जी का मतलब हुआ सातवां लेटर, और इसके लिए आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करो, इज इक्वल टू कितना दिया 182, ठीक है। तो वन आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 182 को आप 7 से अगर डिवाइड करोगे आएगा 26, और 26 वाले लेटर का मतलब होगा जेड, हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक और मज़ेदार सवाल है, ये रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और यहाँ पे बेहद आसान भी है, सवाल मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे सेंटेंस कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। 6 लोग हैं, ए एंड बी आर द आर मैरिड, ए भी मैरिड है, इसे हमने अंडरलाइन करके मैरिड दिखा दिया, बी भी मैरिड है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया हमने, ठीक है। ए बीइंग द मेल मेंबर, ए क्या है, मेल है, प्लस लिख देते हैं इसके ऊपर। डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, सी था यहाँ, डी भी था, डी क्या है, ओनली सन है, सन है, तो ऐसे लिख दिया छोटा सा हमने यहाँ, डी के साथ सन है तो मेल रहा होगा। हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, सी का ये बेटा है, अकेला बेटा है, जो कि सी क्या है, भाई है किसका, ए का, तो सी भी तो मेंबर हुआ, वो सॉरी मेल हुआ, और क्या है ये, भाई है, ब्रदर है, ठीक है। ओके अब क्या है आगे, ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, तो यहाँ पे ई भी है जो कि सिस्टर है, यानी फीमेल है, किसकी सिस्टर है ये है एस आई एस सिस्टर है इसकी, इसकी डी की सिस्टर, ठीक है, डी से ई को भी मिलाया हमने। और अब क्या है, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ जो है हमारा ये, इसकी डॉटर इन लॉ मतलब ये फीमेल है, बी डॉटर इन लॉ, डी एल हमने इसको लिख दिया थोड़ा सा ताकि हम कन्फ्यूज ना हो, ऐसा कुछ लिखना ज़रूरी होता है। एफ क्या है, डॉट इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, इसका हस्बैंड मर चुका है, तो एफ भी फीमेल हो गई। अब इसने हमसे पूछा क्या, हु हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, ए और सी का क्या रिलेशनशिप है, तो इसने कहा डी का ई जो है वो सिस्टर है, डी की ई सिस्टर है, और डी किसका बेटा है, सी का, इसका मतलब सी इन दोनों का बाप है और ई उसकी बेटी है, ठीक है। तो डी क्या है, वो सॉरी सी क्या है, बाप है, और ई क्या है, बेटी, तो आंसर दूसरा। अब देखिए कितने मज़ेदार सवाल आ गए हैं। टू पोजिशन ऑफ ए ब्लॉक आर सोन, एक ब्लॉक की दो दशाएं दी गई हैं, जब नीचे की सतह पर 6 है तो ऊपर की सतह पर कौन सा नंबर होगा, यानी कि 6 के अपोजिट क्या नंबर आने वाला है ये हमने बताना है, तो 6 के अपोजिट, ओके, तो 6 से हम चले क्लॉकवाइज चलते हैं इस वाले उसमें, तो 6 से हम पहुँचेंगे 2 पे, और 2 से पहुँचेंगे कहाँ पे, 1 पे, ये हमें एक सिक्वेंस मिला, ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, 6 से चलेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे 4 पे, और उसके बाद हम आ जाएंगे 3 पे। इसका मतलब इस डाइस में 4 के अपोजिट तो 2 है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, अब बचता है 6, 6 के अपोजिट बचा हुआ नंबर हो जाएगा कौन सा, 5, तो 6 के अपोजिट आएगा 5, आंसर कौन सा होगा, चौथा। देखिए एक और मज़ेदार सीरीज जिसमें कुछ नहीं करना, पहले 1 का इसको क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब देखिए 86वां सवाल क्या कह रहा है, ये कहता है कि ए डी आई पी, यानी कि ए से डी भी गए तो हमने 3 प्लस किया है, ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है 1, और डी की क्या होती है 4, तो 1 को 4 में बदलना तो 3 प्लस करेंगे, यानी कि 3 प्लस किया पहले हमने, फिर डी से आई पे जाने, डी की पोजीशन क्या होती है 4, आई की हो गया होती है 9, यानी कि यहाँ पर हमने कितना प्लस किया है 5 प्लस किया, 3 प्लस किया पहले फिर 5 प्लस किया, फिर क्या करेंगे आई से पी पे हम जाएंगे तो 7 प्लस करेंगे, और पी से अगर हम आगे जाना है, पी की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है 16, तो 16 में हमें 9 प्लस करना पड़ेगा, तब आएगा क्या हमारा वाई, तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। 87 देखिए, वर्क की सभी भुजाओं को बढ़ा दिया गया, एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, एक्स प्लस वाई, ये कहाँ कहाँ पर लगेगी, ये आपकी स्क्वायर में लगेगी, आयत में लगेगी, और साथ साथ वृत्त में लगेगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक ट्रिक है, अगर वर्ग है हमारे पास उसकी तो भुजा
चारों बराबर होती हैं तो एक्स भी वही रहेगा, वाई भी वही रहेगा। इसने 25% बढ़ा दिया है एक्स को या कहिए वाई को, तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। सबकी जगह हम क्या रख देते हैं, 25, तो 25 प्लस 25 बढ़ रहा है तो सब कुछ प्लस में रहेगा। यहाँ पर रहेगा 25 × 25/100। इसको सबको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 56.25। कहाँ पे है ये, दूसरे में। अगली बार क्या कर दिया, सर्किल ले लिया, डिक्रीज कर दिया 50% इसके रेडियस को। हमने कहा सेम फार्मूला लगेगा, जस्ट मोमेंट लेट मी कंप्लीट। ओके ओके, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। घटाया है इस बार तो माइनस में आएंगे एक्स और वाई, तो ये माइनस का 25, ये भी माइनस का 25, और ये माइनस का 25 इंटू माइनस का 25 अपॉन 100। इजंट इट, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या बचता है, 25 × 25 मतलब 625/100, तो ये कितना आ गया 6.25। और यहाँ से आया जस्ट मोमेंट, हाँ यहाँ से आया आपका 25 × 50। होल्ड करिए एक सेकंड, ये तो हमने पूरा सवाल ही गलत कर दिया था, 50 50 लिखा हुआ है। तो एक्स की जगह पे हम 50 लिखेंगे माइनस का, ठीक है, वाई की जगह पे हम 50 लिखेंगे माइनस का, और ऊपर यहाँ पे एक्स इंटू वाई था तो माइनस का 50 इंटू माइनस का 50 100। 10 से 10 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, माइनस से माइनस भी ख़त्म। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 25, और ये कितना बचा, माइनस का 100 प्लस 25 यानी कि माइनस 75 यानी कि 75% उसका एरिया घट जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से देखिए एक और मज़ेदार सवाल, 89th सेकेंड लास्ट सवाल है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल रखा इसने। अब देखिए पहली वाली ट्रिक अगर हम लगाते हैं क्लॉक वाइज जाने की, तो इसने हमसे पूछा क्या कि 3 डॉट वाली सतह के विपरीत सतह पर क्या आएगा, कितने डॉट आएंगे। तो 3 वाला यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दिया, ये दिया है और ये दिया है। इसमें जाते हैं अगर हम क्लॉक वाइज तो क्या मिलेगा हमें, 3 के बाद आया 4, होल्ड ऑन, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 1। दूसरी पोजीशन में यहाँ से लेते हैं तो 3 के बाद आया 1 और उसके बाद आया 2, यानी कि यहाँ पे 4 के अगेंस्ट 1 आएगा तो 1 के अगेंस्ट 2 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ट्रिक यहाँ काम नहीं कर रही है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं। देखिए हम तय करेंगे कि 3 के अगेंस्ट क्या क्या नहीं आ सकता, उसी से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। पहली फिगर में देखिए 3 के अगेंस्ट क्या नहीं आ सकता, नहीं की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 के साथ साथ क्या दिया, ऊपर 4 बिंदु दिए हैं और यहाँ पे साइड में 6 है, तो 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता। इस फिगर के हिसाब से देखते हैं 3 के अगेंस्ट 4 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, और 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ जो जो दिखेगा समझ लो वो 3 के अपोजिट है ही नहीं पास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमें 3 नहीं दिख रहा है तो यहाँ इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 3 कहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो इसके साथ क्या क्या नहीं आया, क्या क्या आ रहा है। अभी तो हमें 1 दिख रहा है तो तय हो गया कि ये तो नहीं आ सकता, ऑलरेडी तय है। 2 भी नहीं आ सकता, 3 के अगेंस्ट 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, तो फिर बचा क्या, 5। तो 3 के अगेंस्ट क्या आएगा, 5 आंसर निकला है हमारा, ऑप्शन 3rd सही है, अदरवाइज ये आपको घुमा देता। अब यहाँ पे आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं, पास की ट्रिक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे डाइस बेस्ड, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना। फिर इस तरह के सवाल जो आप मुझे जवानी करने लगोगे किसी भी एक्सरसाइज एड कंपटीशन में, ये सब आने वाले सवाल हैं, इनमें लापरवाही बिल्कुल मत करना, इनकी ट्रिक अगर आपको याद है तो आपसे बड़ा चैंपियन कोई भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, कुछ संख्याओं का औसत दिया है, योग दिया है 450, उनका औसत दिया है 50। ओके, हमें पता है कि औसत या एवरेज AVG इज इक्वल टू संख्याओं का योग, एडिशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एडिशन अपॉन संख्याओं का नंबर जो भी है, n कह दो आप यहाँ पे, ठीक है। इसने हमें औसत दिया है 50, n की वैल्यू इसने हमें नहीं दी लेकिन योग दिया है, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इसको डिवाइड कर लो, इससे पक्षांतर करके तो ये आ जाएगा 9। n की मतलब 9 संख्याएं अब तक हमारे पास थी, तो औसत कितना था, सॉरी योग था 450 और औसत था 50। क्लियर, अब क्या हुआ, एक अन्य संख्या उसमें जोड़ दिए तो नया जो वो आ जाएगा एडिशन, योग कितना हो जाएगा 550, और नई संख्याएं कितनी हो जाएंगी टोटल 10, डिवाइड करोगे तो कितना औसत आ जाएगा 55। पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से हमने ये 30 के 30 सवाल कर दिए हैं, होपफुली आपको ये बहुत हेल्प करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो ये BHU भी आपको काम आएंगे, और अदर कोई भी कंपटीशन XYZ आप देंगे इंक्लूडिंग ISC SAT वहाँ पे भी है, तो रीजनिंग वहाँ पे भी आएगी, मैथ्स वहाँ भी थोड़ा सा आएगा, और आपका PCS में भी आएगा, तो कहीं भी आपको इसका बोझ छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इन ट्रिक्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।